और कुछ मजेदार आरोप मैं आपको बताता हूँ। हमको कहते हैं कि ये देश विरोधी है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी देश है तो मुझे देश विरोधी होने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि देश मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश मतलब देश की आम जनता होती है, और आम जनता के पक्ष में सरकार की विपक्ष में खड़ा होना यह लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है, और यह जिम्मेवारी हमने उठाई है। मोदी अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी बाजार के द्वारा खड़ा किया गया एक ब्रांड है, और कल के आप मोदी जी के भाषण को सुनिए, वो क्या कहते हैं कि वो इकट्ठा हो रहे हैं मोदी के खिलाफ। हम कहते हैं कि आओ गरीबी के खिलाफ एकजुट होते हैं। अरे लुटेरा चोर चोर बेईमान बेईमानी करके जो है ठग करके लोगों के सामने लंबा लंबा फेंक करके झूठ बोल करके बगुला की तरह गर्दन हिला रहे हो। सच बात क्या है? आइए हमारे साथ, तो कौन तुम्हारे साथ नहीं था? देश की जनता ने आपको देश का वजीर आजम बना दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब भी आप प्रचार में ही लगे हुए हैं। ये तो हिसाब दीजिए कि 5 साल में आपने गरीबी के लिए क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपने क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि काला धन को वापस लाने के लिए आपने क्या किया। भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा से बाहर है भ्रष्ट है, अजीब ही भाजपा में आता है गंगा जल पीते ही पवित्र हो जाता है। ये कैसे संभव है? मैं अपने लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, संवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र संवाद पर टिका होता है, और जब हम संवाद करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां आप हमसे सहमत नहीं होंगे और हम आपसे सहमत नहीं होंगे। आप हमारे असहमत होने के अधिकार के साथ खड़े होंगे और हम आपके असहमत होने के अधिकार के साथ खड़े होंगे। यह जो सहमति है, इसी सहमति से देश बनता है, इसी सहमति से शासन प्रशासन और लोकतंत्र आगे बढ़ता है। इस बात को हमको समझना चाहिए, और इस लोकतंत्र शासन और प्रशासन को यदि हम जिंदा रखना चाहते हैं, ज्वलंत रखना चाहते हैं, तो हमको अपना आंख कान नाक खुला रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दंगाइयों से लड़ते लड़ते हम खुद ही नफरत की आग में जलने लगे। ऐसा ना हो कि झूठेंदर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते हम खुद ही झूठ बोलना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि जुमलेबाजों से लड़ते लड़ते हम खुद ही फेंकना शुरू कर दें। जो कहता है कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा और वो आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचाता है, वो भारत माता का अपमान कर रहा है। भारत माता का अपमान करें आप, और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगे मुसलमान से, ये कहां का न्याय है? पुलवामा पे जब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जब देश सचमुच गमगीन था और गम में डूबा हुआ था, उसी बीच इन्होंने क्या किया, इस देश के 5 एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया। पता चला किसी को? खबर आई किसी को? 5 एयरपोर्ट ये बेच दिया। जब भी देश इस तरीके के गम में होता है, जब भी देश इस तरीके के दुख में होता है, तब ये हमारा चोर चौकीदार समझौता कर रहा होता है और देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच रहा होता है, और खड़ा होकर के झूठ बोलता है देश से। और इस झूठ के आलम में, इस झूठ के माहौल में लोगों को भटकाने के लिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि भारत को उन लोगों से ज्यादा खतरा नहीं है जो देश के बाहर के दुश्मन हैं, उन लोगों से ज्यादा खतरा है जो देश के भीतर हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको वहां अलवा छीनने के लिए लोग बिठाया है, ये हमको बताओ।
एक मिनट के लिए मान लीजिए इनके ही हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से भी नहीं, भाजपा के हिसाब से ही मान लेते हैं कि जेएनयू और एएमयू में, क्योंकि अब सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, दिल्ली से चल करके मामला अलीगढ़ तक पहुंच गया है और कल को जो है किशनगंज भी आ सकता है, तब शायद आपको पता चले कि सचमुच यदि जेएनयू और एएमयू में कुछ हुआ है तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, आईबी क्या कर रहा है, यह सवाल हम क्यों नहीं पूछते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री से नहीं देश से प्यार करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। हमको इस देश के 130 करोड़ लोगों की परवाह है, इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछते हैं। यह बात मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि आज अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो आने वाला दौर बहुत कठिन गुजरने वाला है, और वो कठिन दौर हमारी आने वाली पीढ़ियों का न को ना झेलना पड़े, इसीलिए हमको एकजुट और इकट्ठा होना पड़ेगा। आने वाले वक्त में मैं तमाम राजनीतिक दलों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अपना बेटा बेटी को राजनीतिक रूप से सेट करने का प्लान जो है आपको, उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर दीजिएगा सेट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री भी प्रचार करें, चुनाव लड़ें, उसे हमको दिक्कत नहीं है। जनता फिर उनको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना दे, इससे भी हमको दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से विपक्ष का भी कोई नेता राजनीतिक रूप से सेट हो जाए, बाप का विरासत उसको ट्रांसफर हो जाए, वो फिर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाए, उससे भी हमको दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गीत, एक मुसलमान का दिया हुआ संगीत, वो हिंदुओं के मंदिरों में बजता है, ये हिंदुस्तान है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, इस गीत को लिखा एक मुसलमान ने, गाया एक मुसलमान ने, संगीत दिया एक मुसलमान ने, और ये बजता हिंदुओं के मंदिरों में है, ये हिंदुस्तान की खासियत है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जब अकबर को पूछा गया सिया है कि सुन्नी, अकबर बोला हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन अपने धार्मिक पहचान को अपने सामाजिक पहचान के आरे नहीं आने देते हैं। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि कौन शब्द कौन सी भाषा का है ये लोगों को मालूम नहीं है। रामचरितमानस में 12 से ज्यादा शब्द जो हैं वो फारसी के हैं। अमीर खुसरो का आप उनकी गजल को सुनिए, वो फारसी से शुरू होता है और खड़ी बोली में जाकर के कब समा जाता है वो पता ही नहीं चलता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जलेबी हिंदुस्तानी है कि बाहरी है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान को धर्म की आग में जलाने वाला अमित शाह के नाम में भी शाह लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि इसके इतिहास को कोई चाह करके भी नहीं मिटा सकता है। और हार तो एक दिन सिकंदर भी गया था ना, मोदी जी हार जाएंगे आप भी एक दिन, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात की है कि अगर ये वक्त लंबा खिंच गया तो हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं और अपने देश के लोगों को बता रहे हैं कि देश देश के लोगों से बनता है, और देश के लोगों का सवाल सबसे अहम सवाल होता है। राजनीति को पीछे रखिए, झंडा को पीछे रखिए, बैनर को पीछे रखिए, और इस देश में देश हित को लेकर के देश के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इस सवाल पे इकट्ठा होना चाहिए कि यह देश हम सबका है, और जब देश हम सबका है तो हम सबकी बात करने वाला जो
जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होना चाहिए। हमारा एजेंडा होना चाहिए कि सबको शिक्षा कैसे मिले, सबको काम कैसे मिले, सबको शिक्षा सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस एजेंडे पे हमको एकजुट होना चाहिए। उसी एकजुटता के लिए बेगूसराय से चल करके किशनगंज हम आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इस एकता को सुनिश्चित करेंगे और एकजुट होकर के इस देश के भीतर नफरत की सियासत करने वाले, उन्माद की आग में इस देश को जलाने वाली ताकतों को आप परास्त करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अश्फाकउल्लाह खान के रास्ते पे चल करके एक बेहतर मुल्क का निर्माण करेंगे। इसी अपील के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।